नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बीते दिनों सीतामढ़ी में शराब तस्करों ने दरोगा को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत मौके पर हो गई और इसके बाद सियासत तेज हो गई है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस घटना को लेकर सरकार को घेरा है। सदन में भी इस मामले को लेकर जमकर सरकार पर प्रहार किया गया है। वहीं अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराब और इस मामले को लेकर सरकार को क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। तो आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव ने जोरदार प्रहार किया है, तमाम गंभीर आरोप भी लगाए। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले, धन्यवाद। तेजस्वी जी, नीतीश कुमार ने कहा है कि अब आम लोगों को सहयोग करना होगा शराबबंदी को रोकने। देखिए, जो मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में जो घटना हुई है, आप देख सकते हैं कि बिहार में एक पैरेलल जो है ब्लैक मार्केट बन चुका है और शराब माफियाओं का राज है। पूरी तरीके से जो ब्लैक मार्केट जो है लगभग 20,000 करोड़ के आसपास या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि कई बार हमने, आपने भी देखा है कि यदि कोई कई पदाधिकारी नेता ही इस काम में लगे हुए हैं। और जिस तरीके से जो घटना हुई सीतामढ़ी में, वहाँ जो है थानेदार को मार दिया जाता है, IG शहर में मौजूद हैं, मौजूदगी में एक व्यवसायी को मार दिया जाता है। पहले सुना करते थे कि क्रिमिनलों का इनकाउंटर होता है, आजकल जो है थानेदारों का इनकाउंटर हो रहा है। तो ये तो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि शराब आ कैसे रहा है, उपलब्ध है तभी तो लोग जो है इस तरीके का काम कर रहे हैं। और जब आ रहा है तो इसको रोकने की जिम्मेवारी तो नीतीश कुमार जी की है, क्योंकि होम मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, पुलिस महकमा भी है, तो इनको तो जवाब देना चाहिए। बिहार के बॉर्डर पे जो एक्साइज विभाग है, कहीं ना कहीं लोगों से सवाल भी कर रहे हैं कि आम लोग आगे आना होगा। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि पहले भी विपक्ष के दबाव में ही अब शराबबंदी लागू कर दिए, जबकि हम लोग की सरकार की इच्छा थी कि एक-एक करके फेल हो चुकी है ना सरकार, हाथ खड़े कर रखी है। अनुकंपा के मुख्यमंत्री हैं, हाथ खड़े कर रखे हैं, थके हुए मुख्यमंत्री हैं, बिहार संभल नहीं रहा। इसीलिए तो हम कह रहे थे चुनाव में, ये थके हुए मुख्यमंत्री हैं, इनसे बिहार नहीं संभल रहा। अभी हम गुवाहाटी जा रहे हैं, आसाम में भी आपको पता है वहाँ हम लोग की गठबंधन की बात होनी है। आपके बजुद्दीन जी हैं, उनकी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वहाँ तालमेल के सिलसिले में हम लोग जाएंगे, माँ कामाख्या का भी आशीर्वाद लेंगे। अंतिम सवाल, क्या बीजेपी भी लग रहा है कि आपको धीरे-धीरे इनका साथ छोड़ रही है? अब अभी इनका उनका है, दोनों ने बिहार को बर्बाद कर दिया। तो आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव ने जोरदार प्रहार किया है, तमाम गंभीर आरोप भी लगाए। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले, धन्यवाद।